मथुरा थाना गोवर्धन क्षेत्र के दोसेरस गांव के सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आवास पर पहुंच गए, जिन्होंने अपने परिजन की हत्या किए जाने का आरोप गांव मलशरा के रहने वाले दुर्गपाल पर लगाया। मथुरा में 9 दिन पूर्व थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव सक्रवा में एक अज्ञात युवक का शव बेटोरा में जला हुआ मिला था, जिसकी सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और शव की पहचान के लिए थानों में सूचित कर दिया गया था, जिसके बाद गांव दोसेरस के रहने वाले ग्रामीणों ने उसकी पहचान गांव के ही रहने वाले शमशुद्दीन के रूप में कर ली, जिसकी हत्या किए जाने की शिकायत लेकर परिजन पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसकी शिकायत लेकर आज सैकड़ों की तादाद में परिजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निवास पर पहुंचे और मृतक को न्याय दिलाने की खातिर कार्यवाही की मांग करने लगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि 25 वर्षीय शमशुद्दीन रिक्शा चलाकर पालन पोषण करता था, जिसका कुछ दिन पूर्व गांव मलसर के रहने वाले दुर्गपाल से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और उसने धमकी दी थी कि वह उसे जलाकर मार डालेगा और उसने ऐसा करके दिखा दिया। उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी हत्या दुर्गपाल ने ही की है, जिसकी पीड़ित कार्यवाही करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसी की शिकायत लेकर पीड़ित आज यहां आए हैं। क्या घटना हुई आपके साथ? ये नगला टांगर में हम गाड़ी मिली थी शादी में अपाची मोटरसाइकिल, तो उस पर घर पर पूजन किया था। घर पर पूजन करके गांव की परिक्रमा लगाते हैं, तो परिक्रमा लगा रहे थे वहीं लड़की को, तो शादी में गाड़ी मिली थी, तो अन्य दूसरी ठाकुर जाति के लोगों ने उनके साथ चाबी छुड़ा ली गाड़ी की, मारपीट भद्दी भद्दी गाड़ी चमार ढड़का, हमने बहुत उन्होंने विनय किया तो उन्होंने मारपीट करते हुए हाथों में कट्टे थे लहराते हुए इतनी ईट पत्थरों से फोड़ दिए कि हमारी 8-10 व्यक्ति घायल हुए, एक के हेड इंजरी बनी हुई अस्पताल में भर्ती हुआ है, और हम और चौकी पे इसकी घटना की रिपोर्ट करने गए तो चौकी पे दरोगा जी नहीं मिले। दरोगा जी कह रहा था दरोगा जी कल आएंगे, इस कारण हम कप्तान साहब के पास गए थे। कप्तान साहब के पास से हम सिटी साहब के पास भेज दिया, एस पी सिटी साहब ने अब हमारे एसओ साहब के पास भेज दिया। कौन सा थाना पड़ता है आपका? थाना फरे पड़ता है। तो कब की घटना है? ये कल शाम की घटना है। तो तुम सभी लोग कौन सी जाति के लोग थे? उसमें दो लोगों को छोड़ दिया, हम जाटव जाति के सभी लोग, जितने लोग आए सब लोग जाटव जाति के।